स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए एरिजोना विश्वविद्यालय ओसिरिस रेक्स टीम, बी इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम, सी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, डी नासा। आंसर बी इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम। एक्सप्लेनेशन, इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह 8 अप्रैल 2024 को कोलोराडो में अंतरिक्ष संगोष्ठी के वार्षिक उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? ए हार्दिक पांड्या, बी ईशान किशन, सी KL राहुल, डी सूर्य कुमार यादव। आंसर डी सूर्य कुमार यादव। एक्सप्लेनेशन, मुंबई में खेले गए IPL 2024 के एक मैच में भारत के धाकर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वह विराट रोहित जैसे खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली 12,313 T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ए महोबा उत्तर प्रदेश, बी मेरठ उत्तर प्रदेश, सी नीलगिरी तमिलनाडु, डी कुडालोर तमिलनाडु। आंसर सी नीलगिरी तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई भारत सरकार की हर घर नल जल योजना के तहत लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने में सबसे तेजी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है, तो यूपी के महोबा जनपद ने देश में दूसरा स्थान और प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना सबसे तेजी से यूपी में आगे बढ़ रहा है। देश के टॉप 10 जिलों में यूपी के बुंदेलखंड से 2 जिलों को स्थान मिला है। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए मनपम तमिलनाडु, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी कोयम्बटूर तमिलनाडु, डी मदुरई तमिलनाडु। आंसर ए मनपम तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICJS मनपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। रुस्तम जी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए आकाशदीप गोयल, बी विनय कुमार सिन्हा, सी तरुण बजाज, डी राजेश तनेजा। आंसर सी तरुण बजाज। एक्सप्लेनेशन, US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है। US इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था।